तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा, ज्वालामुखी को सीएम सुक्खू ने दी है करोड़ों की सौगात। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में सीएम ने लोगों की बात सुनी, उनकी समस्याएं सुनी, इसके साथ ही समस्याओं के निवारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कांगड़ा दौरा, मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और कांगड़ा को करोड़ों की सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, जहां पर सीएम ने जन समस्याओं को सुनकर उनके निवारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। और मैंने उन 16,000 परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए की जगह हमने उन्हें 7 लाख रुपए देने का वादा किया। ये हम सच्ची श्रद्धा हमारी हिमाचल की जनता के लिए थी। अभी 3 लाख की पहली किस्त मिली है, बाकी और किस्तें भी आपको मिलेगी और 7 लाख रुपया पूरा घर बनाने के लिए मिलेगा। 5,000 रुपया जो मिलता था हमने उसमें भी बदलाव कर दिया और 5,000 की जगह हमने 1 लाख रुपया, जिसकी दुकान चलेगी, जिसका आंशिक रूप से मकान चला गया, 1 लाख रुपया दिया। ऐसा कभी भी हिमाचल के इतिहास में नियमों को तोड़कर आपदा प्रभावित परिवारों की किसी ने मदद नहीं की। ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने आप लोगों की मदद की है। एक वर्ष के भीतर जहां आर्थिक बदहाली है, आर्थिक तंगी के दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां आपदा प्रभावित परिवारों को 4500 करोड़ रुपए का हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया। इसी बीच हमें फैसला करना था कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो सरकारी अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, चाहे पुलिस के कर्मचारी, चाहे किसी भी सरकार के कर्मचारी है, उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम की जब योजना लाई गई, उस ओल्ड पेंशन स्कीम में जब चर्चा हुई, हमारे पास बजट कुछ नहीं था, एक पैसा तक नहीं था। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी, हम चाहते तो 5 साल बाद चुनावों से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते, पर उन 4 साल में कितने सरकारी कर्मचारी रिटायर होकर विदाउट ओल्ड पेंशन के घर बैठ जाते। मैंने फैसला किया, हम चुनाव जीत चुके थे, हमने फैसला किया कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो हिमाचल के कर्मचारी और अधिकारियों को मिलनी चाहिए। मेरे पास अधिकारी आए, फाइनेंस का बात किया, मैंने बोला नहीं, हम इस व्यवस्था को बदलेंगे। और हमने आर्थिक तंगी के बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम अपने सरकारी कर्मचारी और आर्थिक अपने अधिकारियों को दी। ये सरकार की कटिबद्धता होती है कि अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का ख्याल रखे। लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो थोड़ा सा सबर जरूर रखे। एरियर की मांग आ रही है, डीए की मांग आ रही है, पर हम किसी ना किसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहते हैं। जो अर्थव्यवस्था अगर पटरी से उतर गई, अगर मैं भी रूटीन की तरह सरकार चलाऊं, तो आने वाली युवा पीढ़ी उसका भविष्य अंधकार में होगा। इसलिए मुझे थोड़ा पीड़ा भी होती है जब मैं कोई कड़े फैसले लेता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा।